Hello students, in this video we are going to learn of math of class 3, lesson number 14, rupees and paise. This is the part 2 video of this lesson. In this video we are going to learn about add value of notes and coins, also addition of rupees and paise. So basic is the addition of currencies. So all of you, watch this video with full concentration, like it, share it and subscribe the channel. Also, don't forget to press the bell icon. First one is, write the amount of money shown by the notes and coin. बच्चों, ये note हैं, जो square, rectangle में दिए notes हैं और circle में दिए वो coin हैं. उसको हमें ऐड करना है. वी हैव टू ऐड द नोट्स एंड कॉइन. नोट्स आर शोन इन द रेक्टेंगल एंड कॉइन्स आर शोन इन द सर्कल. तो इसको हमें ऐड करके फाइनल अमाउंट यहाँ लिखना है. ठीक, देखिए 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 5 35, प्लस 1 36. तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 36, मतलब टोटल मिला के ये 36 रुपीज़ हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 36. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है. 20 प्लस 50 70 प्लस 10 80 प्लस 5 85. तो ऐसे करना है. अब कई बच्चों को लगता होगा, सर इतने फास्ट आप कैसे करेंगे, ये तो हमें समझ में नहीं आया. तो बच्चों उनके लिए ये लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा, एक के नीचे एक, 20 50 10 5. देखो ऐसे 20 50 10 ऐसे लिखा जाता है एंड 5 ऐसे लिखा जाता है. अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 5. यहाँ देखिए 0 प्लस 1 1 1 प्लस 5 6 6 प्लस 2 8 आंसर आ गया 85. तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमें सबका एडिशन करना है और यहाँ पर इसका लिखना है हमें आंसर. देखते हैं 100 50 20 कैसे ऐड करेंगे. बच्चे देखो, पहले 100, उसके बाद है 50. 50 के लिए पहले 5, पहले 0 फिर 5. 20 के लिए पहले 0 फिर 2. यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 ऐड करो, ये आ जाएगा 0. 5 प्लस 2 7 और ये आ जाएगा 1. इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़ 170. तो बच्चों जो रेक्टेंगल में दिए हैं, वॉट एवर द गिवन द रेक्टेंगल आर नोट्स एंड दैट ऑफ गिवन द सर्कल आर कॉइंस. यू हैव टू ऐड दीज टू. सॉरी, यहाँ पर हम बच्चों 2 ऐड करना भूल गए. इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 170 प्लस 2, ये हो जाएगा 172. यहाँ पर हम 2 कॉइन का ऐड करना भूल गए, हमारा आंसर हो जाएगा 172. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसका हम आगे एक होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है. क्या ऐड करना है, दिस इज द नोट ऑफ 2000 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. यहाँ कॉइन नहीं दिया है, सिर्फ नोट्स दिए हैं, हमें नोट्स को ऐड करना है. चलिए ऐड करते हैं. पहले हैं बच्चों 2000, उसके बाद है 100. 100 हम उल्टा लिखेंगे, ये देखिए ऐसे. उसके बाद 50 ऐसे, पहले 1 स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट में दिया है बच्चों 10. तो ये 10 ऐसे ऐड करते हैं और जितनी प्लेसेस बची हैं यहाँ पर 0 ऐड करना है, लिखना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 0. नेक्स्ट 1 प्लस 5 6, ओनली आगे 0 है, 6 आ जाएगा. यहाँ आ जाएगा बच्चों 1, यहाँ आ जाएगा 2. ये फाइनल आंसर हो जाएगा रुपीज़ 2160 इक्वल टू साइन देना है, आगे ये लिखना है. ये बच्चों आपको होमवर्क दिया है, जैसे मैंने अभी बोला एडिशन करना है, ऐसे ऐड करके आपको इसको लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग. अब बच्चों ध्यान देना, ये है पढ़ते कैसे इसको, 15 रुपीज़ 00 पैसे, 12 रुपीज़ 75 पैसे. मैंने एक पिछले वाला वीडियो में बताया था आपको कि पॉइंट के राइट साइड में पैसे होते हैं,
पॉइंट के लेफ्ट साइड में रुपीज होते हैं। अभी ऐड करना है बच्चों, बहुत आसान ऐड है, एकदम सिंपल एडिशन करना है आपको। देखो 5 + 0 5, नेक्स्ट 7 + 0 7। ध्यान रख के पॉइंट के नीचे पॉइंट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस आगे सिंपल एडिशन करते रहो। 5 + 2 7, 1 + 1 2, हो गया आपका एडिशन। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 5 + 5 10, कैरी आया 1, कैरी को आगे ले लो। 2 + 1 3, 3 + 7 10, फिर कैरी आया 1, आगे दे दिया और याद रख के यहाँ पर पॉइंट दे दिया। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखिए आगे 1 + 6 7, 7 + 2 9, 3 + 1 4, इतना सिंपल एडिशन है बच्चों। और दो एग्जांपल देखते हैं, 5 + 6 11, कैरी आया 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, ध्यान रख के पॉइंट। नेक्स्ट 6 + 2 8 एंड 4 + 3 7, कम टू नेक्स्ट एडिशन 3 + 3 6, नेक्स्ट 4 + 6 10, पॉइंट एज इट इज, कैरी आगे देना, याद रखना यहाँ का कैरी आगे चला जाएगा एज यूजुअल। 7, ये देखिए 2 + 1 3, 3 + 7 10, कैरी इज 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 40.06। तो ये एडिशन हो गया बच्चों, और ये आपको होमवर्क देना दिया है मैंने, आप होमवर्क का आंसर एज यूजुअल कहाँ लिखोगे, कमेंट में, लेकिन कृपया प्लीज़ आप क्वेश्चन लिखे तो ही मैं उसका आंसर चेक करके आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइए, और आंसर तो 100% आप कमेंट में लिखेंगे, ये मुझे आशा है।